हेलो दोस्तों, आज हम अमीर बनने वाले हैं क्योंकि आज हम खेलेंगे हाउस फ्लिपर जिसमें हमें घर घर जाकर सफाई करनी होगी। तो चलो फिर इस मजेदार गेम को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पेरेंट्स ऑफिस है, हम लोग यहाँ से सारा काम संभालेंगे, लेकिन यहाँ पे इतनी गंदगी किसने फैला दी? हटाओ इसको यहाँ से। हाँ, ये हो गया। चलिए अब अपने ऑफिस के अंदर चलते हैं। हाँ, अंदर चलते हैं, लेकिन ये क्या है इतनी गंदगी? अरे दूसरों का घर बाद में साफ करेंगे, पहले अपना ऑफिस तो साफ कर ले। चलो जल्दी से कूड़ा उठा लेते हैं। अरे अपने घर बाद में साफ करेंगे, पहले किसी और का घर साफ करके थोड़े पैसे कमा लेते हैं। जिसको भी काम कराना होगा वो इस लैपटॉप में हमें मैसेज भेज देगा। ये देखो किसी ने मेल भेजा है, चलो उसका घर साफ करने चलते हैं। यही है वो घर जिसको हमें साफ करने के लिए बुलाया गया है। आंटी जी ने बताया था कि उसके घर में चोर घुस गए थे और वो लोग सब तहस नहस कर दिए हैं अंदर। चलो अंदर चलते हैं। अरे दोस्तों तो बहुत गंदा है, इसको साफ करते करते तो हम ही साफ हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं, लेकिन कहाँ से शुरू करें, तो बहुत गंदा घर है। चलो ये वाला कमरा भी देखते हैं। अरे बाप रे, ये भी गंदा है। चलो पहले जमीन पर जो कूड़ा पड़ा है उठाते हैं, इसकी बाद झाड़ी पोछा करेंगे। पहले जल्दी जल्दी सारा कूड़ा उठा लेते हैं। चलो जल्दी से ये वाला कमरा भी साफ कर देते हैं। कूड़ा तो उठा लिया है, चलो अपने स्पेशल झाड़ू निकालते हैं। यह झाड़ू बहुत बढ़िया है, सब कुछ साफ कर देता है। हाँ ये झाड़ू तो बहुत अच्छा है, ये तो जादुई झाड़ू लग रहा है। चलो ऊपर भी झाड़ू से ही साफ कर देते हैं। हो गया, चलो बाकी चीजें भी साफ कर देते हैं। मेरी बाप रे, यहाँ खून कहाँ से आ गया? जल्दी से साफ करो, मुझे खून ऊन से डर लगता है। ये तो बहुत कमाल का झाड़ू है, जल्दी सब कुछ साफ करो, टीवी सोफा साफ करो। चलो अब घर का फर्नीचर भी सही से लगा देते हैं। इस टेबल को यहाँ पे रखते हैं और इसके पीछे चेयर रख देते हैं। एडी वाह, हमने पूरा घर साफ कर लिया है। चलो अब आंटी को बुला के उनसे पैसे ले लेते हैं। चलो हमें नया काम मिला है, हमें इन अंकल का गार्डन साफ करना है। हमें इनके गार्डन की घास वास काटनी है और घर के पीछे एक स्विमिंग पूल भी बनाना है। मेरी बाप रे, लेकिन ये घास तो बहुत बड़ी है और इनका गार्डन भी बहुत बड़ा है। और घर के ओनर हम लोग के लिए मशीन छोड़ के गए हैं, चलो फिर काम पे लग जाते हैं। ऐसे घास बहुत अच्छी कट रही है। मेरी बाप, घास काटने में तो बहुत मजा आ रहा है। चलो फिर जल्दी से सारी की सारी घासों को हटा देते हैं। ये देखो दोस्तों, मैं इधर का कर लिया है, अब बस इधर के एरिया की ग्रास काटनी है। ये सब करने में तो और भी मजा आ रही है। काटते जाओ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। चलो जल्दी जल्दी काटो, तुम लोग बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हो। ये देखो दोस्तों, हम लोगों ने पूरे गार्डन की घास काट दी है, अब गार्डन साफ हो गया है, अब हमें स्विमिंग पूल लगाना है। चलो पहले वो पूल खरीदते हैं। चलो अभी अपने पैसों से खरीद लेते हैं, बाद में तो देंगी पैसे। सबसे पहले हमें यहाँ पे गड्ढा करना होगा स्विमिंग पूल लगाने के लिए। अरे बाप रे, इतना बड़ा गड्ढा करने में तो हम लोग बुड्ढे हो जाएंगे। चलो आप पूल को गड्ढे में रखते हैं, इसमें पानी भर देते हैं। हाँ, उसके बगल में थोड़ी सीट भी लगानी होगी, वरना वो हमें पूरे पैसे नहीं देंगे। अब तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, अरे वह अंकल जी का काम पूरा हो गया, अब तो हमें पैसे मिलेंगे। दोस्तों हम लोग को एक और ऑर्डर मिला है। इस घर के मालकिन ने कहा है कि उनको एक कमरा बहुत छोटा लग रहा है, वो लेटने के बाद अपने सही से पैर भी नहीं फैला पाती है। इसलिए आंटी ने कहा है कि दीवार तोड़ के इनका कमरा बड़ा कर दे हम लोग। अरे दोस्तों ये तो अच्छा हो, इनके घर में सफाई नहीं करनी है हमें। चलो अब अपना हथौड़ा निकालते हैं। अरे वैसे कमरा कौन सा तोड़ना है, हम लोग कहीं गलत कमरा ना तोड़ दे। फिर आंटी हम लोग को तोड़ेंगी। नाना तो तोड़ भी दिया। कौन सी दीवार तोड़नी थी तुमको पता भी है? मैं सब मुझे पता है, यही तोड़नी थी। इस दीवार को तोड़ने से उनका लिविंग रूम बड़ा हो जाएगा। चलो फिर उनका घर तोड़ डालते हैं। तोड़ डाले, तोड़ डाले। आज इनका पूरा घर ही तोड़ डालेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए, हम लोगों ने पूरी दीवारें तोड़ दी हैं। अब तो इनका कमरा बड़ा हो चुका है। रुको, उस घर की मालकिन ने कहा था कि उसका बेडरूम भी पेंट करना है। चलो फिर जल्दी से कलर खरीद के दीवारों को पेंट करना शुरू करते हैं। अरे ये रहा ब्लू पेंट, इसको पेंट कर देते हैं। चलो करते हैं, मुझे पेंट पेंट करने में तो बहुत मजा आता है। अरे वह मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। अरे जल्दी जल्दी करो, मजा बाद में करना। A few moments later. दोस्तों पेंट करते करते तो शाम हो गई, पर हम लोगों ने पूरा कमरा पेंट कर दिया है। अब तो आंटी हमें बहुत पैसे देंगी। हमें एक और काम मिला है जिसमें हमें इनका गैरेज साफ करना होगा। चलो इनके घर के अंदर चल के देखते हैं इनका गैरेज कहाँ है। चलो अंदर चलते हैं। अरे वाह, इनका घर तो बहुत अच्छा है। अरे लेकिन इनका गैरेज कहाँ है? फिर ये रहा गैरेज, अरे बाप रे तो बहुत गंदा है। चलो जल्दी से इसको साफ करते हैं। चलो पहले जल्दी से कूड़ा उठाते हैं। यहाँ तो बहुत कूड़ा है, लगता है अपने घर का सारा कूड़ा यहीं पे आके फेंक देते हैं। चलो इस शेल्फ को भी साफ कर देते हैं, सारा कूड़ा उठाओ। कूड़ा तो उठा लिया है सारा, चलो अब झाड़ू लगाते हैं। इन लोगों ने अपनी गाड़ी को बाहर खड़ा कर रखा है और गैरेज को कूड़ेदार बना रखा है। अरे हम लोग अपना जादुई झाड़ू से सब कुछ साफ कर देंगे। चलो इनका गैरेज खोल देते हैं। अरे वो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, फिर से सफाई करना शुरू करते हैं। अरे इस विंडो को भी साफ कर देते हैं, लगता है इसको सालों से नहीं खोला गया। चलो साइकिल को सही से खड़ी करके गाड़ी अंदर कर देते हैं। चलो गाड़ी अंदर जाए। चलो अब गैरेज बंद करके अंकल से पैसे लेने चलते हैं। अरे दोस्तों हम लोगों ने एक और बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग पानी से सब कुछ साफ कर देंगे। सबसे पहला काम है कि हमें इस गंदी सी वैन को धुलना है। मुझे तो लग रहा है कि वैन कीचड़ में घुस गई थी। चलो दोस्तों एक बार स्प्रे चला के देखते हैं। अरे बाप,
बाप रे, ये तो बहुत तेज है। ये तो बहुत कमाल का स्प्रे है। चलो फिर जल्दी से गाड़ी साफ करते हैं और पैसे कमाते हैं। अरे इसमें तो बहुत टाइप के स्प्रे हैं। अरे ये वाला भी अच्छा है। चलो फिर इस स्प्रे से ही पूरी गाड़ी साफ कर देते हैं। अरे बाप रे, तो कुछ ज्यादा ही गंदी है। लेकिन हम ज्यादा पैसे भी तो मिल रहे हैं। इसको साफ करने में तो अलग ही टाइप का मजा आ रहा है। वाह, हमें आगे का साफ करना पड़ेगा। ये तो सबसे ज्यादा गंदा है। साला टायर भी साफ कर देता है। अरे वाह दोस्तों, साफ करने के बाद तो ये गाड़ी बहुत चमक रही है। साला फिर पैसे ले लेता है। अरे हमें फिर से एक लोग गार्डन साफ करना है। हाँ, कस्टमर ने कहा था कि हमें पेड़ काट के एक पॉन्ड बनाना है। चलो फिर ये पेड़ काटना शुरू करते हैं। चलो फिर मैं कुल्हाड़ी से इसको काटना शुरू करता हूँ। बहुत मजा आ रहा है। पर मैं तो बहुत थक रहा हूँ। इतना बड़ा पेड़ हम लोग कब तक काटेंगे? ये देखो दोस्तों, हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद यहाँ का एक पेड़ काट लिया है और अब दूसरा काटते हैं। तो फिर हमें यहाँ पर एक पॉन्ड लगाना है। ये देखो, हमने यहाँ पर एक पॉन्ड खरीदा, इसको यहाँ पर फिक्स करते हैं। अब चलो जल्दी से मिट्टी खोद के गड्ढा करते हैं। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। चलो भी इस पॉन्ड को यहाँ पर फिट करते हैं। और मैं थोड़ा सा जादू भी कर देता हूँ। रिवाइज तो फिक्स हो गया है। चलो इसमें पानी भर देते हैं। चलो मेरा काम तो हो गया। चलो मन से पैसे ले लेते हैं। दोस्तों इस बार अंकल ने बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं इस घर को साफ करने के लिए। वैसे वो इतने पैसे क्यों दे रहे? चलो अंदर देखते हैं। तेरी बेटी तो बहुत गंदा करे। आपको मन में आया उन्होंने इतना पैसे क्यों दिया था? चलो अब जल्दी से काम पे लग जाते हैं। चलो इसमें देखते हैं। अरे बेटी तो बहुत गंदा है। और हाँ, अंकल बता रहे थे कि इस घर में बहुत सारे कॉकरोच भरे पड़े हैं। मैं पहले जल्दी से साफ कर देता हूं। चलो अभी अलग कमरे पे देखते हैं। अरे बाप रे, इतना गंदा कमरा कैसे कर दिया इन लोगों ने? अरे साफ तो करना ही है, अंकल पैसे भी तो बहुत सारे दे रहे हैं। चलो सारे बॉक्सेस भी उठा लेते हैं, लगता है ये अंकल जी का स्टोर रूम है। अरे वैसे इधर कौन सा कमरा है? अरे बाप रे, ये तो बहुत गंदा कमरा है। अरे बाप रे, नीचे तो कॉकरोच भी है। चलो दोस्तों जल्दी से दरवाजा खोल के अंदर चलते हैं और फिर कॉकरोच के ऊपर झाड़ू चला देते हैं। नहीं यार, काम नहीं कर रहा। अरे कॉकरोच को छोड़ो, पहले कमरा साफ कर लेते हैं। लगता है इस बेड पे जानवर सोते हैं और ये क्या, इसके पीछे तो बोतलें रखी हैं। अरे मुद्दा समझ में आ गया, कॉकरोचों को वैक्यूम क्लीनर से मारना है। चलो सारी कॉकरोच को इसमें भर लो। अरे वाह, तो ये हम लोगों से नहीं बच पाएंगे। चलो सारी कमरे में जल्दी जल्दी झाड़ू लगाते हैं। चलो इस गंदे से बेड को भी साफ करते हैं। इस वाली कमरे को भी साफ करते हैं। इस घर की दीवार भी बहुत गंदी है, चलो यहाँ पे पेंट कर देते हैं। हम लोग इनसे और ज्यादा पैसे लेंगे, इन्हें बहुत कम दिए हैं इतनी गंदगी के हिसाब से। अरे वह पेंट हो गया है। और हाँ दोस्तों, अंकल ने कहा था कि हमें उनके बाथरूम में एक वॉश बेसिन खरीद के लगानी है। यहाँ पर लगा देते हैं। चलो इसको जोड़ देता हूँ। इसकी पाइप भी कनेक्ट कर देते हैं। ये वाले में डाल देते हैं। अरे वह हमारे काम पूरा हो गया। अब हमें गार्डन साफ करना है। अंकल ने कहा है कि हमें यहाँ से खराब घास निकाल देनी है। खराब घास, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखो दोस्तों, दिख तो रही है। चलो जल्दी से इन सबको निकाल देते हैं। अरे हमने खराब घास आखिरकार निकाली ली। अब हमें इन घास के ऊपर पत्थर लगाने होंगे। यहाँ पे अंकल को ये वाले पत्थर लगाने थे। चलो जल्दी जल्दी पूरे में पत्थर भर देते हैं। अरे इसमें तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। अरे मजे गए, तेल लेने जल्दी जल्दी पत्थर लगाओ। आधे गार्डन में तो पत्थर लगा लिए और आधे गार्डन में हम लोग को दूसरे कलर के पत्थर लगाने हैं। मुझे तो इस बार भी मजा आ रहा है। पत्थर वत्थर लगा लिए, चलो अभी हमें पेड़ भी लगा देते हैं। अंकल ने कहा था चारों साइड पेड़ लगाने हैं, चलो जल्दी से गड्ढा करते हैं। साला पेड़ उठा के इस गड्ढे में डाल देते हैं और पेड़ को फिक्स कर देते हैं। और अभी अच्छे से अंदर घुस चुका है। चलो पानी भी डाल देते हैं। चलो अब चारों साइड पेड़ लगा देते हैं। ये देख रहे हो, कितना बढ़िया बना दिया है। अब अंकल हमें बहुत पैसे देंगे। दोस्तों हमें गाड़ी साफ करने का काम मिला है इस बार फिर से। वैसे तो हमें घर भी वॉश करने को मिलता है इसमें, पर बार बार गाड़ी ही आ रही है। नहीं भाई, मुझे लग रहा है कि अगला घर ही आएगा। जल्दी जल्दी साफ करते हैं इस गाड़ी को, ये तो बहुत गंदी है, लगता है गटर में गिर गई थी। ये बाइक तो बहुत छोटी है, इसको तो मैं भी चला लूंगा। इसको धुलने में तो बहुत ही मजा आ रहा है, कीचड़ तो बहुत लगा है पर मजा भी बहुत आ रहा है। पर दोस्तों इससे पानी बहुत वेस्ट हो रहा है। अरे ये गेम ही तो है, इतनी छोटी सी बाइक भी कितना ज्यादा टाइम लग रहा है। पता नहीं इसका ओनर हमें कितने पैसे देगा। अरे वह हो गया। दोस्तों अब हमें एक और काम मिला है। इस घर में हमें कमरा ऐड करना है जिसमें उनकी बेटी रहेगी। लेकिन हम कमरा ऐड कैसे करेंगे? हम दो कमरों के बीच में एक दीवार लगा देंगे तो एक कमरा एक्स्ट्रा खुद ही बन जाएगा। अंकल ने कहा था कि इस कमरे में ही हम लोग को पार्टीशन करना है। लेकिन अगर हम लोग बीच में दीवार लगाएंगे तो ये कमरा तो छोटा हो जाएगा। तो चलो चलो दीवार को तोड़ के कमरा बड़ा कर देते हैं। चलो फिर जल्दी जल्दी तोड़ देते हैं, बाद में दीवार भी तो लगानी है। अरे वाह, तोड़ दी हम लोगों ने दीवार। चलो उनकी बेटी का बड़ी हवा रख देते हैं। अरे अभी पार्टीशन कर देते हैं ताकि उनकी बेटी का कमरा अलग हो जाए। चलो पार्टीशन करने के लिए बीच में एक वॉल लगा देते हैं। A few moments later. अरे इस बेड को थोड़ा उधर खिसका देते हैं। ये देखो दोस्तों, हमने वॉल भी लगा दी है। और पेंट छोड़ा, पेंट कौन करेगा? चलो पैसे ले लेते हैं उनसे। अरे वाह, हम लोग को अबकी बार घर वॉश करना है, मैं तो यही चाहता था। पर दोस्तों ये घर तो कुछ ज्यादा ही गंदा है। ये क्या है, ये तो कुछ ज्यादा ही गंदा है। थोड़ा पानी मार के देखता हूँ। अरे ये क्या, हमने तो गलती से लाइक लिख दिया है। अब लाइक लिख ही दिया है तो आप लाइक कर दीजिएगा। चलो इससे शुरू करते हैं। जहाँ गंदगी है वहाँ ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है।
ये देखो दोस्तों, हम लोगों ने एक दो घंटे लगाने के बाद इसको साफ कर लिया है। चलो अभी छोटी कार को साफ करते हैं। अरे वाह, हो गई साफ। चलो ये सब करते हैं, शादी खाना बनाने वाला है। नहीं शिनचैन, शायद कुछ और है। अरे ये इतना गंदा क्यों है, ये क्या लगा हुआ है इस पे? अरे वो, हम लोगों ने इसको साफ कर लिया है। अरे दोस्तों, इसकी हमें स्ट्रिप भी साफ करनी है। अगर हमसे इतनी सी भी गंदगी छूट गई तो इसका मालिक हमें बिल्कुल भी पैसा नहीं देगा। ये देखो दोस्तों, हम लोगों ने एक दिन में आधा गार्डन साफ कर लिया है। अरे नहीं वो, पीछे देखो, पीछे तो बहुत सारा बाकी है अभी। ये देखो, अरे इसको साफ करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो बहुत गंदा लग रहा है, लोगों ने जानबूझ के सब गंदा किया है कि हम लोग आके साफ करें और परेशान हो जाए। A few moments later. ये देखो दोस्तों, हम लोगों ने ये वाला पॉन्ड साफ कर दिया है, पर अभी भी इतना बाकी है। अब हम आपको 3-4 दिन बाद सब कुछ साफ करने के बाद ही मिलेंगे। ये भी साफ करें, ये भी साफ करो। जो जल्दी इसको भी साफ कर लेते हैं, इसको भी साफ कर लेते हैं। A few moments later. दोस्तों हम लोग 3-4 दिन लगा के इसको साफ कर लिए हैं। ये देखिए, ये पूरा साफ हो चुका है। ये तो लग नहीं रहा कि पहले गंदा भी था। हम लोगों ने तो इसको एकदम नए जैसा बना दिया है। अब हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। दोस्तों इस बार हमें इन अंकल के गार्डन में झूले लगाने हैं और बारबेक्यू का सेटअप भी लगाना है। अरे लेकिन ये बारबेक्यू होता क्या है? अरे जो भी होता है, हम लोग को तो जो लगाने से मतलब है। जो जो अंकल ने लिख के दिया है वही खरीद के लगा देते हैं। इस शेड को यहाँ पे लगा देते हैं और उसके नीचे टेबल यहाँ पे रख देते हैं। इसके साइड में चेयर भी लगा देते हैं। अरे वहाँ झूले लगाने हैं, पहले आके घास हटा देते हैं ताकि आराम से सारे झूले आ जाएं। घास हटाने में तो इस बार भी मजा आ रहा है। कहाँ लगाएं इस झूले को, मुझे तो इस पे झूलने का मन कर रहा है। यह सही लग रहा है, चलिए स्प्रिंग वाला झूला भी लगा देते हैं। इस झूले पे तो मुझे भी खेलने का मन कर रहा है। अंकल ने हमें इसके किनारे एक पौधा लगाने को भी कहा था, चलो जल्दी से मिट्टी निकाल देते हैं और फिर पौधे को इसके अंदर घुसेड़ देते हैं। अरे दोस्तों एक झूला रह गया है, ये अंकल ने उसने लगवाया है ताकि उनके बच्चे मिट्टी से खेले। अब हमारे इस गार्डन का काम पूरा हो चुका है, देखो झूला लग चुका है। हाँ ये वाला तो बहुत अच्छा है। चलो फिर पैसे तो मिलेंगे ही। चलो एक बार साफ करने की कोशिश करते हैं। मेरी तो पानी से साफ ही नहीं हो रहा है। अरे इसको पड़ा रहने दो, इसको साफ करने की जरूरत नहीं है, ये घर हॉरर मूवी में काम आएगा। अगर हम लोग इसको साफ करने बैठे तो 10-20 दिन लग जाएंगे। हाँ फिर वीडियो भी 20 दिन बाद आएगी। खड़ा फिर इसको हम लोग यहाँ के खड़े हैं, चलो चलते हैं घर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे एक लाइक बटन दिख रहा है उसको जल्दी से दबा दो और उसके थोड़ा नीचे एक कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए।